तो बेसिकली नोटिस राइटिंग है क्या चीज, इस चीज के बारे में मैं आपको सबसे पहले मतलब एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको कि नोटिस होता क्या है। तो देखिए, नोटिस एक फॉर्मल वे है कम्युनिकेशन करने का। देखिए, इनफॉर्मल वे तो कई सारे होते हैं, जैसे आपने अनाउंसमेंट कर दिया या फिर वो कर दिया, तो इसको कोई ऑथेंटिक नहीं मानता है। जो नोटिस होता है इसको एक आप फॉर्मल वे यानी ऑथेंटिक वे होता है कम्युनिकेशन करने का, कोई अनाउंसमेंट करने का। तो अब सबसे पहले चीज पे आते हैं कि नोटिस राइटिंग लिखा कैसे जाता है। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मेट है, तो मैं इस पे एक एक करके आता हूं कि ये फॉर्मेट क्या क्या है और ये कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होगा, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो और वहां के लोगों को आपको ये बताना है कि हमने एक क्लीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस पे सभी मेंबर को आना है। तो सबसे पहले आप अपने मान लीजिए आप गूगल धाम के, तो आपने लिख दिया सोसाइटी नाम सुपर गूगल धाम। उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए उस पे, या एक लाइन नहीं भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप लिखिए नोटिस। जो नोटिस वर्ड हो वो ध्यान रखना है कि नोटिस का हर एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, ये यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा डेट, मतलब किस तारीख को आप ये सूचना दे रहे हो अपने सोसाइटी वालों को, वो लिखना है। तो उसके बाद डेट के बाद आप एक लाइन छोड़े, उसके बाद आप लिखिए हेडिंग, मतलब हेडिंग आप किस चीज के ऊपर है, क्लीनिंग के ऊपर है। तो आप लिखिए कि रिगार्डिंग क्लीनिंग, या कुछ भी एक अच्छा वर्ड आप यूज कीजिए, उसको कर दीजिए हेडिंग। फिर उसके बाद नीचे आपको क्या लिखना होता है, बेसिकली टाइम, किस जगह पे होने वाला है, कब होने वाला है, और रिगार्डिंग कौन लेने वाला है, इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आप ये बेसिकली ट्राई कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी देना है। मिनिमम मतलब एक होता है नोटिस का जो फॉर्मेट में एक चीज जो होती है, वो आपकी ये कंटेंट जो है 50 वर्ड के अंदर खत्म होना चाहिए। फिर उसके नीचे आप सिग्नेचर कर दीजिए और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है कि आप मतलब उस किस पोस्ट पे हो, जैसे कि मान लीजिए आप सोसाइटी के हेड हो तो सोसाइटी का हेड लिख दीजिए, और भी आप क्या कर सकते, जैसे आप स्कूल में अगर लिख रहे हो तो स्कूल के मान लीजिए आप हेड बॉय हो हेड गर्ल हो तो वो लिखना होता है। उसके बाद यानी मान लो आप प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल लिख दोगे, उसके बाद आप सिग्नेचर कर दोगे। तो अब किसी भी चीज में ग्रामर एक ऐसी चीज है इंग्लिश में, बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, जिस पे आप जाके वहां पे कई सारे टाइप के नोटिस के प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके सॉल्यूशन भी उसी के अटैच है उस पे, वहां पे जाके आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप इस चीज पे कोई भी एक पर्टिकुलर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल चंदन C7 यहाँ पे आ गया होगा, इस पे जाके आप मुझे DM भी कर सकते हो अगर आपको किसी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो। और आप कमेंट सेक्शन का भी यूज कर सकते हो कोई भी अपने डाउट रखने के लिए, या फिर कुछ भी आपको इंग्लिश रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में।